नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हाय रेव इंडिया में। आज हम बात करेंगे आने वाली होंडा की कार्स और SUV के बारे में, जो इंडिया में 2020 और 21 में रिलीज होने वाली है। आज हमने अपने इस वीडियो में लाइक का टारगेट 4000 का रखा है। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि हमें आने वाली वीडियो बनाने के लिए इंस्पिरेशन मिलती रहे। जापान की प्रमुख कार निर्माता कंपनी होंडा भारतीय बाजार में लंबे समय से अपने पांव जमाए हुए है। इस दौरान कंपनी ने देश की सड़क पर एक से बढ़कर एक शानदार कारों को पेश किया है, जिसमें होंडा की सिटी, सिविक, जैज, अमेज जैसी कारें बेहद ही लोकप्रिय रही है। लेकिन ग्लोबल मार्केट में होंडा के पोर्टफोलियो में कई और भी ऐसी कारें शामिल है जिनका इंतजार हर भारतीयों को है। बेहद ही आकर्षक लुक और दमदार इंजन क्षमता से सजी इन कारों का हर कोई दीवाना है। नंबर 1, होंडा पासपोर्ट। भारतीय बाजार में SUV बाजार तेजी से बढ़ रहा है। लगभग हर वाहन निर्माता इस सेगमेंट में अपने बेहतरीन SUV वाहनों को पेश कर रहा है। हाल ही में महिंद्रा ने अपनी फुल साइज SUV अल्टुरस G4 को लॉन्च किया है, जिसे कंपनी ने रैक्सटन के प्लेटफॉर्म पर तैयार किया है। इस पासपोर्ट SUV को कंपनी ने बिल्कुल ही नया डिजाइन और लुक प्रदान किया है। कंपनी ने इसमें ब्लैक आउट ग्रिल, क्रोम ब्लैक अलॉय व्हील, बॉडी कलर रूफ रेल का प्रयोग किया है, जो कि SUV को और भी शानदार लुक प्रदान करता है। इसके अलावा इसमें ब्लैक क्लैडिंग का भी बखूबी इस्तेमाल किया गया है। यदि इस SUV के इंटीरियर की बात करें तो कंपनी ने इसमें बेहद ही स्पेशियस और अपने क्लास की सबसे बेस्ट इंटीरियर प्रदान किया है। 5-सीटर होने के बावजूद कंपनी ने इस SUV में खूब जगह दिया है। इसके अलावा इसका बूट भी काफी बेहतर है। इसमें कंपनी ने 1167 मीटर का बूट स्पेस प्रदान किया है। यदि आप पिछली सीट को फोल्ड करते हैं तो ये बूट स्पेस बढ़कर 2206 मीटर तक पहुंच जाता है। यानी कि लॉन्ग ड्राइव पर जाने के लिए ये SUV आपको इतना स्पेस देता है कि आप अपने बड़े से बड़े लगेज को भी आसानी से इसमें रख सकते हैं। नई होंडा पासपोर्ट में कंपनी ने कुछ खास फीचर्स को शामिल किया है, जो कि इसे अपने क्लास की बेस्ट SUV में से एक बनाती है। इसमें कंपनी ने 8 इंच का शानदार टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है, जिसे आप एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कंपनी ने 590 वॉट का ऑडियो सिस्टम भी प्रदान किया है, जो कि टॉप एंड मॉडल में दिया गया है। अन्य स्टैंडर्ड फीचर्स की बात करें तो होंडा ने इस SUV में 360 डिग्री कैमरा, लेन डिपार्चर अलर्ट, लेन कीपिंग असिस्ट, क्रूज कंट्रोल, इमरजेंसी ऑटो ब्रेकिंग और फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग जैसे अत्याधुनिक फीचर्स को शामिल किया है। फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग एक ऐसा फीचर्स है जो कि ड्राइविंग के दौरान आपको किसी भी आपद स्थिति से बचने के लिए संकेत देता है। ड्राइविंग के दौरान जब आपकी कार सामने से किसी वस्तु, जीव या वाहन से टकराने वाली होती है, उससे पहले ही ये आपको वार्निंग दे देता है। समय रहते चालक वाहन की दिशा बदलकर या फिर उसकी गति धीमी करके किसी भी आपात स्थिति से बच सकता है। नई होंडा पासपोर्ट में कंपनी ने मोनोक्यू चेसिस और सिंगल इंजन का प्रयोग किया है। इस SUV में कंपनी ने 3.5 लीटर की क्षमता का दमदार VS6 पेट्रोल इंजन प्रयोग किया है, जो कि SUV को 284 BH की दमदार पावर और 355 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रदान करता है। इस SUV में कंपनी ने 9 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स को शामिल किया है, जो कि इसके परफॉर्मेंस को और भी बेहतर बनाता है। कुल मिलाकर इंजन दक्षता, तकनीक और फीचर्स के मामले में ये SUV अपने सेगमेंट में खासी बेहतर है। इसका इंजन SUV के फ्रंट व्हील को पावर देता है और वाहन आगे बढ़ाता है। इसके अलावा ये SUV ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ भी उपलब्ध है। ऑल व्हील ड्राइव होंडा पासपोर्ट की बात करें तो इसका इंजन सभी पहियों में 70% तक इंडिविजुअल पावर प्रदान करता है। फ्रंट व्हील ड्राइव वर्जन होंडा पासपोर्ट में 2 ड्राइविंग मोड प्रदान किया गया है, एक है नॉर्मल और दूसरा है स्नो। वही ऑल व्हील ड्राइव होंडा पासपोर्ट में कंपनी ने 4 अलग अलग ड्राइविंग मोड दिया है, जिसमें नॉर्मल, सैंड, स्नो और मड मोड शामिल है। यानी कि SUV हर तरह के वेदर और रोड कंडीशन के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। आप होंडा पासपोर्ट को भारी बर्फबार, रेत और कीचड़ भरे रास्तों पर भी आसानी से चला सकते हैं। इस मामले में SUV में दिया गया 9 स्पीड गियर बॉक्स आपकी पूरी मदद करता है। नंबर 2, होंडा सिटी RS। होंडा की पॉपुलर सिडान कार सिटी के नेक्स्ट जनरेशन मॉडल से पर्दा उठ चुका है।
25 नवंबर को थाईलैंड में नई होंडा सिटी का ग्लोबल डेब्यू हुआ। थाईलैंड में ये कार चार वेरिएंट्स में एस, वी, एसवी और आरएस में मिलेगी, जबकि भारत में इसकी लॉन्चिंग साल 2020 में होगी। ये होंडा सिटी का पांचवा जनरेशन मॉडल है और मौजूदा मॉडल के मुकाबले इसके लुक और इंटीरियर में कई बड़े बदलाव हुए हैं। साथ ही इसमें कई नए फीचर्स भी शामिल किए गए हैं। दोस्तों, नई होंडा सिटी का लुक मौजूदा मॉडल से स्पोर्टी है। कार पर दिए गए हल्के कर्व, हल्की कैरेक्टर लाइंस और काफी हद तक कूप जैसा रियर प्रोफाइल नई सिटी को ज्यादा अट्रैक्टिव और लग्जरियस लुक देते हैं। कार के टॉप वेरिएंट आरएस में दिए गए कुछ प्रमुख फीचर्स की बात करें तो इसमें ग्लॉस ब्लैक ग्रिल एलईडी डीआरएल के साथ स्लीक एलईडी हेडलाइट्स, सी शेप एलईडी टेल लैंप्स, शानदार फॉग लाइट्स, इंटीग्रेटेड टर्न सिग्नल्स के साथ ड्यूअल टोन रियर व्यू मिरर्स और स्पोर्टी लुक वाले 16 इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। थाईलैंड में पेश की गई नई होंडा सिटी का इंटीरियर ब्लैक कलर में है, जबकि भारत में आने वाले मॉडल में ड्यूअल टोन बेज और ब्लैक कलर थीम दिए जाने की उम्मीद है। नई सिटी की सीट्स, डैशबोर्ड, गियर और स्टीयरिंग व्हील पर लेदर फिनिश है। कार में नए डिजाइन का डैशबोर्ड, क्लाइमेट कंट्रोल के लिए क्लासिक रोटरी डायल्स, एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 8 इंच का नया टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 12 वोल्ट पावर सॉकेट, यूएसबी पोर्ट और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल जैसे फीचर्स है। बेहतर जानकारी के लिए बता दे कि मौजूदा मॉडल के मुकाबले नई होंडा सिटी 100 mm ज्यादा लंबी और 53 mm ज्यादा चौड़ी है। हालांकि इसकी ऊंचाई 28 mm और व्हील बेस 11 mm कम हो गया है। लंबाई और चौड़ाई ज्यादा होने का मतलब है कि मौजूदा मॉडल के मुकाबले नई सिटी में ज्यादा कैबिन स्पेस मिलेगा। नई सिटी में कलर के 6 ऑप्शन मिलेंगे। इनमें रेड इग्नाइट, प्लैटिनम वाइट, ब्लैक क्रिस्टल, लूनार, मॉडर्न स्टील ग्रे और व्हाइट टाफ्टा शामिल है। होंडा की ये नई कार होंडा कनेक्ट इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म से लेस है। ये कन्वीनियंस, सेफ्टी और सिक्योरिटी से जुड़े कई इंटरनेट कनेक्टेड फीचर्स की सुविधा देता है। होंडा कनेक्ट से एक्सेस होने वाले कुछ प्रमुख फीचर्स में जियो फेसिंग, रियल टाइम व्हीकल ट्रैकिंग, इम्पैक्ट अलर्ट, ट्रिप एनालिसिस, व्हीकल हेल्थ मॉनिटरिंग, सर्विस बुकिंग, फ्यूल लॉग, सर्विस रिमाइंडर और नजदीकी डीलर व फ्यूल पंप की लोकेशन की जानकारी आदि शामिल है। दोस्तों, नई सिटी में 6 एयरबैग्स, एडजस्टेबल व्यू के साथ मल्टी एंगल रियर व्यू कैमरा, ईबीडी के साथ एबीएस, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, हिल स्टार्ट असिस्ट और आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। नेक्स्ट जनरेशन होंडा सिटी के थाईलैंड मॉडल में 2 इंजन ऑप्शन है। इनमें एक 1.0 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है जो 122 ब्रेक हॉर्स पावर की पावर और 173 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। ये इंजन सीवीटी गियर बॉक्स से लेस है। टॉप वेरिएंट्स में अतिरिक्त 7 स्पीड पैडल शिफ्ट दिया गया है। दूसरा 1.5 लीटर का हाइब्रिड पेट्रोल इंजन है। इस इंजन के पावर आउटपुट के बारे में कंपनी ने अभी कोई जानकारी नहीं दी है। भारत में आने वाली नई होंडा सिटी में मौजूदा मॉडल में दिए गए 1.5 लीटर वाले पेट्रोल और डीजल इंजन मिलने की उम्मीद है जो BS6 कंप्लाइंट होंगे। माइलेज, होंडा का दावा है कि नई सिटी को 1.0 लीटर वाला टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन 23.8 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देता है जो थाईलैंड टेस्ट साइकिल के अनुसार है। वही 1.5 लीटर वाला माइल हाइब्रिड इंजन 33% ज्यादा माइलेज देगा। नई होंडा सिटी के भारत में आने वाले मॉडल को यही बनाया जाएगा, यानी पांचवी जनरेशन होंडा सिटी मेड इन इंडिया होगी। इसके लिए होंडा अधिक से अधिक हासिल करना चाह रहा है ताकि इसकी कीमत प्रतिस्पर्धी रखी जा सके। थाईलैंड में इसकी कीमत 13.70 लाख रुपए से 17.47 लाख रुपए है। भारत में इस शानदार कार की शुरुआती कीमत 10.5 लाख रुपए के आसपास रहने की उम्मीद है। नंबर 3, होंडा HR-V। Hyundai क्रेटा को टक्कर देने के लिए होंडा भी अपने SUV पर काम कर रही है। होंडा की पोर्टफोलियो में कॉम्पैक्ट SUV नहीं है, वही MPV सेगमेंट की होंडा BRV बाजार में उतनी छाप नहीं छोड़ पाई जितनी उम्मीद जताई जा रही थी। वही अब होंडा HR-V को लॉन्च कर सकती है। दोस्तों, होंडा सिविक के बाद होंडा अपनी प्रतिद्वंदी कोरियन कार कंपनी Hyundai की कॉम्पैक्ट SUV क्रेटा को टक्कर देने के लिए होंडा HR-V को लॉन्च कर सकती है। इसकी टक्कर निसान नेक्स और अपकमिंग मॉडल्स किया SP2i, स्कोडा कैमिक, टाटा ब्लैकबर्ड से होगी। वही टाटा की हैरियर से भी इसका मुकाबला बताया जा रहा है। जापान में बिक रही होंडा HR-V
यह विजन में बड़े क्रोम बार के साथ स्पोर्टी बम्पर मिलेगा, जिस पर ब्रांड लोगो भी होगा। इसमें स्लीक एलईडी हेडलाइट, बड़े फॉग लैंप मिलेंगे। वहीं इसमें लेटेस्ट ग्लोबल डिजाइन के मुताबिक शार्प बॉडी पैनल्स और हॉरिजेंटल टेल लैंप्स मिलेंगे। वहीं होंडा एचआरवी में 1.8 लीटर का पेट्रोल और 1.6 लीटर का टर्बोचार डीजल इंजन मिलेगा। पेट्रोल इंजन 141 पीएस का पावर देगा, जबकि डीजल इंजन 120 पीएस की पावर देगा। वहीं इसमें 6 स्पीड मैनुअल और पैडल शिफ्टर के साथ सीवीटी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलेगा। एचआरवी की लंबाई 4294 mm, चौड़ाई 1772 mm और ऊंचाई 1605 mm होगी। वहीं इसका व्हील बेस 2610 mm होगा। इसकी कीमत 12 लाख रुपए से लेकर 16 लाख रुपए के बीच रखी गई है। होंडा एचआरवी पहले से ही ग्लोबल मार्केट में मौजूद है और इसमें वे सभी सेफ्टी फीचर्स हैं जो किसी कॉम्पैक्ट एसयूवी में होने चाहिए। नंबर 4, होंडा जाज। होंडा अपनी प्रीमियम हैचबैक जाज का BS6 कंप्लाइंट मॉडल ला रहा है। लॉन्चिंग की तारीख अभी नहीं आई है, लेकिन कंपनी ने वेबसाइट पर इसकी जानकारी दे दी है। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन की वजह से अपडेटेड जाज की लॉन्चिंग में थोड़ी देरी हो सकती है। हालांकि लॉन्चिंग से पहले 2020 होंडा जाज BS6 की टेस्टिंग के दौरान कुछ तस्वीरें लीक हुई है। BS6 कंप्लाइंट होंडा जाज में हल्की कॉस्मेटिक बदलाव होने की उम्मीद है, लेकिन ये बदलाव कार को फ्रेश लुक देंगे। कार में स्लीक ग्रिल, नया फ्रंट बम्पर और रिवाइज हेडलैम्प देखने को मिल सकते हैं। बता दे कि इंटरनेशनल मार्केट में होंडा जाज का न्यू जनरेशन मॉडल लॉन्च हो चुका है, जबकि भारतीय बाजार में अभी इसे नहीं उतारा गया है। एक्सटीरियर की तरह BS6 होंडा जाज के इंटीरियर में भी हल्का अपग्रेड देखने को मिलेगा। कार में लेटेस्ट स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और नेविगेशन के साथ अपडेटेड 7 इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने की उम्मीद है। टॉप वेरिएंट में वॉइस कमांड, IR रिमोट कंट्रोल और लेदर फिनिशिंग स्टीयरिंग व्हील और गियर नॉब उपलब्ध रहेंगे। जाज फेसलिफ्ट में BS6 कंप्लाइंट पेट्रोल और डीजल इंजन मिलेंगे। पेट्रोल मॉडल में BS6 1.2 लीटर इंजन मिलेगा, जो 90 ब्रेक हॉर्स पावर का पावर और 110 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। डीजल मॉडल BS6 में 1.5 लीटर इंजन होगा, जो 100 ब्रेक हॉर्स पावर का पावर और 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दोनों इंजन के साथ मिलेगा। पेट्रोल इंजन के साथ CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिलने की उम्मीद है। नंबर 5, होंडा सिटी 2020। होंडा कार्स इंडिया अपनी पॉपुलर कार होंडा सिटी न्यू जनरेशन लेकर आने वाली है। इसमें BS6 ईंधन उत्सर्जन मानक वाला IVTEC पेट्रोल और IDTEC डीजल इंजन मिलेगा। नई होंडा सिटी को भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान कई बार देखा गया है। थाईलैंड जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इसकी बिक्री भी शुरू हो गई है। ऐसे में भारत में लॉन्च होने वाली 5वीं पीढ़ी की होंडा सिटी कार कैसे होगी, इसके बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है। कंपनी 2020 होंडा सिटी कार को भारत में 3 वेरिएंट में पेश करने वाली है। कंपनी इसके अलावा 2020 की दूसरी तिमाही में ह्यूंडई वर्ना और टोयोटा कोरोला को भी भारतीय बाजार में उतार सकती है। नई होंडा सिटी में कुछ ऐसे फीचर्स दिए जाएंगे जो इस सेगमेंट की कार में पहली बार मिलेंगे। इन फीचर्स को अलग अलग वेरिएंट्स में पेश किया जाएगा। खास बात ये होगी कि होंडा सिटी को बिल्कुल नए प्लेटफॉर्म पर पेश किया जाएगा। वही ये BS6 पेट्रोल और डीजल इंजन में भी आएगी। नई होंडा सिटी मौजूदा सिटी से लंबी होगी। इसकी लंबाई 4533 mm होगी। वहीं ऊंचाई 28 mm और व्हील बेस 11 mm कम है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक नई पीढ़ी की होंडा सिटी को 3 वेरिएंट्स में उतारा जा सकता है। माना जा रहा है कि भारत में पेश होने वाली दिखने में थाईलैंड में पेश हुई सिटी जैसे होगी, जिसे पिछले साल नवंबर में उतारा गया था। नई होंडा सिटी में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, अमेजन एलेक्सा इनबिल्ट टेलीमेट्रिक्स जैसे फीचर्स पहली बार मिलेंगे। इसके अलावा ट्रैक्शन कंट्रोल, VSA, 4 एयरबैग्स, 5 हेडरेस्ट, सभी पैसेंजर्स के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट, 8 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे फीचर्स भी मिलेंगे। थाईलैंड में लॉन्च हुई होंडा सिटी में LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, स्लीक LED DRL और LED टेल लाइट्स, इल्यूमिनेशन के साथ मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ऑटोमेटिक एयर कंडीशनिंग सिस्टम दिए गए हैं। दोस्तों, अगर इसकी बात करें तो नेक्स्ट जनरेशन होंडा सिटी में 1.5 लीटर DOHC VTEC पेट्रोल इंजन मिलेगा।
इस इंजन को मॉडिफाई किया गया है। वही ये इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ सीवीटी गियर बॉक्स भी मिलेगा। संभावना है कि इसमें माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम दिया जा सकता है। इसमें 1.5 लीटर का आईडीटेक मोटर मिलेगी जो सीवीटी के साथ आएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक नई होंडा सिटी का एनवीएच लेवल स्तर मौजूदा सिटी से बेहतर है। हालांकि थाईलैंड में लॉन्च सिटी में 1.0 लीटर का वीटेक टर्बोचार्ज इंजन दिया गया है जो 122 पीएस की पावर देता है। होंडा का दावा है पहले के मुकाबले बढ़िया परफॉर्मेंस देता है। होंडा का दावा है कि नए इंजन की मोटर 1.8 लीटर यूनिट के बराबर पावर देती है। साथ ही नया टर्बो इंजन 23.8 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दे रहा है। पुरानी होंडा सिटी पर तगड़ा डिस्काउंट। हालांकि नई पीढ़ी की होंडा सिटी में 1.5 लीटर BS6 पेट्रोल इंजन आता है जो 119 पीएस की पावर और 145 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। वही ये 5 स्पीड मैनुअल और सीवीटी के साथ आता है। कंपनी पुरानी BS6 होंडा सिटी पर जबरदस्त 72,000 रुपए का डिस्काउंट भी दे रही है, जिसमें 37,000 रुपए तक का कैश डिस्काउंट और 35,000 रुपए तक का एक्सचेंज बोनस शामिल है। चौथी पीढ़ी की होंडा सिटी की एक शोरूम कीमत 9.91 लाख रुपए से 14.31 लाख रुपए तक है।